बुलाओ अंकल जी। पानी पीना बैठ के, अरे मुसलमान पानी बैठ के पीना चाहिए। हाँ, पानी हमेशा बैठ के पीने से रहता है। कुरान में भी है पानी बैठ के पीना है नहीं कुरान के वादा भी है जो कुरान को मिला। तो ये बताइए आप मुसलमान हैं? जी हम मुसलमान हैं, पक्के हैं? सच्चे मुसलमान हैं। अरे मुसलमान की पहचान टोपी होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए। जो मुसलमान की पहचान है, जो कौमें अपनी पहचान गवा देती हैं जी, वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। उन कौमों का वजूद मिट जाता है जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो अपने हमारे सिर पे टोपी होना चाहिए। काम पे जाओ टोपी पहन के जाओ, देना तुम्हारे को किसने? अल्लाह ने देना है, देना किसने है? अल्लाह ने। ये अल्लाह पे भरोसा रखो तो जो अल्लाह की दिया वो जो तुम्हारे नसीब में है ना, वो तुम्हारे को मिलेगा, जरूर मिलेगा। अपने सिर पर टोपी रखो। जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। कोई भी हो, देखो किसी वेला था जो मुसलमान था वो अपने धर्म पे पक्का था, और सिख जो थे हिंदू थे अपने चोटी और बोधी रखते थे। आज हिंदुओं ने अपनी चोटी और बोधी कटा दी है, लेकिन उसका घाटा बढ़ा है। जो सरदार है अपनी पहचान गवा देगा, वो पहचान उस सरदार कौमें मुर्दा रहती है। जो अपनी पहचान बरकरार रखती है वो कौमें जिंदा रहती हैं। तो जो कौम अपनी पहचान शर्म महसूस करती है टोपी पहनने से, दाढ़ी रखने से पहचान करती है। जो हमारे सिख हैं बच्चे दाढ़ी कटाते हैं, जो हिंदू अपने जनेऊ नहीं पहनते, जो अपनी कोई भी कौम है जो अपनी पहचान गवाती है वो कौम मुर्दा हो जाती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ठीक है जी।